वेलकम आई द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ द चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर का पांच लेक्चर कंप्लीट कर लिया है इस छठे लेक्चर में हम जो इन पांचों लेक्चर्स में पढ़े थे उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज है वो सॉल्व करेंगे तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस क्या है फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिकल प्रोसेस अ केमिकल प्रोसेस अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस या एंड एनर्जी वेस्टिंग प्रोसेस इनमें से जो सही आंसर है सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी देखो लेक्चर नंबर वन में जब हम फोटोसेंथिसिस का लेक्चर फर्स्ट पढ़ रहे थे तब मैंने तुम्हें कहा था कि जो फोटोनिक लाइट एनर्जी होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसेंथिसिस राइट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर सीओ टू एंड पिगमेंट्स जैसे कि क्लोरोफिल और भी बहुत सारे पिगमेंट्स हैं तो फोटोसेंथिसिस क्या है लाइट एनर्जी का कन्वर्ट होना केमिकल एनर्जी में इसीलिए हम इसे फोटोबायोकेमिकल या फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं क्योंकि लाइट हमें पता है क्या है एक फिजिकल फैक्टर है और लाइट को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिजियोकेमिकल टर्म आ गया इसीलिए फोटोसिंथेसिस को हम फिजियोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं साथ ही साथ इसे हम फोटोबायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं फोटो क्यों क्योंकि लाइट आ गया केमिकल क्यों क्योंकि लाइट को हम कन्वर्ट करें केमिकल में और बायो क्यों क्योंकि फोटोसेंथिसिस किस में चल रहा है प्लांट में बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म जब हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो बायोलॉजी की बात करते हैं बायो की बात करते हैं तो ये चीज मैंने ऑलरेडी तुम्हें पढ़ा के रखा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन था हमने सॉल्व किया अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ओके okay, तो क्वेश्चन नंबर टू फोटोसेंथिसिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल फूड्स ऑन अर्थ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज़ ऑफ ओटू इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ओटू इन द इन्वामेंट इन नाइट या फिर ऑप्शन ए एंड बी सही है सही ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन डी यानी कि ए और बी जो है ये दोनों ही सही है इसीलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन हमें पता है फोटोसिंथेसिस जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर ऑल फूड्स ऑन अर्थ राइट प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉप अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से ठीक है और हम ह्यूमंस एनिमल्स हम कौन से हम हैं हेट्रोट्रॉप हम दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए राइट right? हम प्लांट पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए तो जो ऑटोट्रॉप है प्लांट्स है वो फोटोसेंथिसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं और सबके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं ये प्लांट राइट right? तो फोटोसेंथिसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल फूड्स ऑन अर्थ ठीक इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन हमें पता है फोटोसेंथिस के टाइम ऑक्सीजन रिलीज होता है ऑप्शन सी में लिखा है इन नाइट ये गलत है क्योंकि सनलाइट का यूज करता है दिन के टाइम सनलाइट का यूज करता है और ओ टू रिलीज करता है इन्वामेंट में सी तो गलत हो गया तो सही है हमारा कौन कौन सा ए और बी जो कि ऑप्शन डी में मैंशन है इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ते हैं लिखा है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है कि लाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए या ऑक्सीजन रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस या क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला था सही आंसर है बी मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में हमें यह पता चला था कि कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए याद करो लेक्चर नंबर टू सेकेंड लेक्चर में मैंने तुम्हें ये पूरा मोल्स हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था अच्छे से याद करो क्या एक प्लांट लिया था हमने पॉटेड प्लांट और उसपे एक पत्ते को आधा पत्ते को हमने क्या किया एक वाइट वाइड माउथ बॉटल के अंदर पैक कर दिया स्प्लिट कॉक से अच्छे से यहाँ पे क्या किया स्प्लिट कॉक लगा दिया ताकि अंदर और बाहर का इन्वायरमेंट अलग अलग हो जाए अंदर और बाहर का एन्वायरमेंट में कोई कनेक्शन ना रहे राइट तो बाहर जो लीफ का हिस्सा था उसे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था एटमोस्फेयर से और जो बॉटल के अंदर जो लीफ का हिस्सा था उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा था क्यों क्योंकि बॉटल के अंदर हमने एक सल्यूशन रखा के ओव एच सल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड जो कि एक सी टू एब्जॉर्बेंट होता है तो जितना भी सी टू रहा होगा इस बॉटल के अंदर वो सब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया एब्जॉर्ब कर लिया तो अंदर वाले लीफ को सी टू नहीं मिल रहा था ठीक तो अंदर वाला लीफ सही से फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पा रहा था बट ये बाहर वाला लीफ फोटोसिंथेसिस कर ले रहा था तो फिर जब हमने इस लीफ का बाद में क्या किया स्टार्च टेस्ट किया तो पता चला वो वाला हिस्सा लीफ का जो कि बाहर के तरफ था ये बाहर के तरफ इसने स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव दिया स्टार्च टेस्ट यानी कि यहाँ पे स्टार्च बना होगा राइट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ होगा ग्लूकोज बना होगा राइट और प्लांट ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में तो यहाँ पे फोटोसेंथिस हुआ होगा और स्टार्च से पता चला कि चलो इधर पे स्टार्च है लेकिन ये जो हिस्सा था अंदर वाला जिसको सीओ टू नहीं मिला ये फोटोसेंथिस नहीं कर पाया क्योंकि सीओ टू इज एन असेंशियल इज एसेंशियल फॉर फोटोसेंथिस राइट तो अंदर वाला जो लीफ का हिस्सा था इसको सीओ टू नहीं मिल पाया तो यहाँ पे स्टार्च भी नहीं बना क्योंकि प्लांट ने फोटोसेंथिसिस ही नहीं किया फोटोसेंथिसिस ही नहीं कर पाया प्लांट हमारा मतलब सॉरी हमारा ये जो लीफ है ये वाला पार्ट है लीफ का ये हाफ लीफ जो है ये फोटोसेंथिस नहीं कर पाया तो यहाँ पे स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया ऊपर वाला जो था वो पॉजिटिव आया तो इससे हमें पता चला सीओ टू जरूरी होता है के लिए दिस शोड दैट रिक्वायर्ड फॉर ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था मोस साहब ने तो इसीलिए इसे मोस हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है ठीक चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के तरफ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की क्वेश्चन है हु प्रूव्ड दैट वेजिटेशन प्यूरिफाइज द एयर इम्प्यड बाई बर्निंग ऑफ कैंडल वोन मायर डिस जोसेफ प्रिस्ले द करेक्ट आंसर इज जोसेफ प्रिस्ले आपको याद होगा लेक्चर नंबर थ्री जो हमारा अर्ली एक्सपेरिमेंट वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको समझाया था जोसेफ प्रिस्ले द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट इन सी आर टी पेज नंबर दो सौ सात में मिल जाएगा आपको ये डायग्राम ये फिगर ठीक है इसमें क्या था देखो उन्होंने एक बेलजार लिया था जोसेफ प्रिस्ले साहब ने उसमें एक चूहा था एक बर्निंग कैंडल था ये जो बर्निंग कैंडल था ये जल रहा था और एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहा था और जो हमारा चूहा था ये भी क्या कर रहा था एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा था और जितने भी इस बेलजार के अंदर जो भी ऑक्सीजन था उसको ये कैंडल और चूहा यूटिलाइज कर रहा था ठीक है राइट right. तो इसके कारण क्या हुआ थोड़ी देर बाद सारा ऑटो यूटिलाइज हो गया और जो हमारा चूहा था वो मर गया और कैंडल बुझ गया ठीक है तो Pure environment क्या होता 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 है? Impure environment जहां CO2 वाला environment होता है। है। है? ऑक्सीजन वाला तो तो ये शुरू तो में में हमारा pure environment था, right? O2 था। बाद में impure हो गया। ठीक है? किसने किया चूहा ने और बर्निंग कैंडल ने बट फिर एक और सेटअप लिया जो से प्रिस्ल साहब ने उसमें उसने क्या आ, क्या किया साहब ने क्या किया एक मिंट प्लांट रख दिया तो अब देखो ये जो ऑक्सीजन था ये तो सारा चूहा ले रहा था और कैंडल ले रहा था और कैंडल जल रहा था और चूहा सीओ टू छोड़ रहा था और कैंडल भी सीओ टू छोड़ रहा था यहाँ पे ठीक है बेलजार के अंदर अब ये सीओ टू जो चूहा और कैंडल रिलीज कर रहा है ये हमारा प्लांट क्या कर रहा था यूज कर रहा था यूटिलाइज क्योंकि हमें पता है अभी मैंने आपको बताया कि सीओ टू इज एसेंशियल फॉर फोटोसेंथिस राइट मोस्ट एक्सपेरिमेंट तो हमारा ये जो प्लांट था ये सीओ टू को क्या कर रहा था यूटिलाइज कर ले रहा था और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था तो यहाँ जो प्योर इन्वायमेंट था उसको ये दोनों मिलके इम्प्योर तो कर ही रहे थे कैंडल और चूहा मिलके राइट लेकिन वापस से हमारा जो मिंट प्लांट था वो क्या कर रहा था इस इसमेंट को वापस से प्योर बना दे रहा था ठीक है तो तो थोड़ी देर बाद जब देखा गया तो चूहा भी जिंदा है कैंडल भी जल रहा है प्लांट भी ठीक ठाक है ठीक तो क्या हुआ इससे क्या पता चला प्रूव हुआ कि वेजिटेशन यानी कि प्लांट यानी कि कौन सा मिंट प्लांट जोसेफ प्रेस्ली साहब ने यूज किया था प्योरीफाइज द एयर क्या करता है प्योरीफाई कर देता है एयर को जो कि इम्प्योर किया था किसने बर्निंग कैंडल ने बर्निंग कैंडल और चूहा मिलके जो इम्प्योर इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे थे बेलजार के अंदर उसे वापस से प्योर कौन कर दे रहा था हमारा प्यारा सा मिंट प्लांट ठीक है प्योर इन्वायरमेंट कौन सा है ओ टू वाला इमप्योर इन्वायरमेंट कौन सा है सीओ टू वाला ठीक तो ये था जोसेफ प्रेस्ले साहब का एक्सपेरिमेंट अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के तरफ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की Who discovered the role of light and green parts of the plants in purifying the noxious air? किसने लाइट के रोल को डिस्कवर किया था कि लाइट भी जरूरी है ठीक है प्लांट के लिए जो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट होता है जो कि प्यूरिफाई करता है इम्प्योर एयर को नॉक्शियस मतलब इम्प्योर एयर को तो इस प्रोसेस में लाइट की जरूरत होती है ठीक है हमारा प्लांट क्या कर रहा था मिंट प्लांट प्यारा सा प्लांट क्या कर रहा था इम्प्योर इन्वायरमेंट को को, को क्या कर रहा था प्योर बना रहा था यह चीज डिस्कवर किया जैन इंजन हाउस ने अगेन लेक्चर नंबर थर्ड में जैन इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको दिखाया उन्होंने क्या किया एक बेल जार लिया उसमें प्लांट को रखा और चूहा को रखा दोनों जिंदा थे ठीक है फिर इस सेटअप को उन्होंने प्रेजेंस ऑफ लाइट में रखा था ठीक है यहां पर लाइट था फिर इसी सेम सेटअप को उन्होंने एबसेंस ऑफ लाइट में रखा लाइट के एबसेंस में रखा ठीक है तो क्या हुआ देखा थोड़ी देर बाद कि चूहे की डेथ हो गई क्यों क्योंकि देखो ये जो हमारा प्लांट है ये क्या कर रहा था इमप्योर नॉक्शियस एयर को प्योर कर रहा था कैसे फोटोसेंथिस कर रहा था ना तो ओ रिलीज कर रहा था और जो चूहा जो सीओ रिलीज कर रहा है उसको यूटिलाइज करके हमारा प्लांट क्या कर रहा था ओ रिलीज कर रहा था राइट लेकिन आपको पता है फोटोसिंथेसिस में लाइट की भी जरूरत होती है ठीक है तो जब लाइट के प्रेजेंस में रख रहे थे इस सेटअप को तब तो हमारा प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर रहा था और ओटू रिलीज कर रहा था ठीक है नॉक्सियस एयर को प्योर कर रहा था लेकिन जब लाइट हटा दिया हमने लाइट जब हमने हटा दिया तो हमारा जो चूहा था उसका डेथ हो गया क्योंकि प्लांट को चलो चूहे से ओ टू सी टू तो मिल जा रहा है चूहा सी टू तो छोड़ रहा है ठीक है और हमारे प्लांट को सी टू मिल जा रहा है लेकिन आपको पता है प्लांट को अगर ओटो रिलीज करना है सीओ टू से राइट तो इसके लिए लाइट की भी जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में लाइट की भी जरूरत होती है अब लाइट ही हटा दोगे आप तो प्लांट ओटू नहीं बना पाएगा प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा ठीक है तो ओटू इज रिलीज बाय ग्रीन प्लांट्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जब लाइट के प्रेजेंस में आप रखोगे प्लांट को तभी वो फोटोसिंथेसिस करके ओटो रिलीज कर पाएगा और जो हमारा नॉक्सियस गंदा एयर है उसको प्योर कर पाएगा इम्प्योर एयर को प्योर कर पाएगा ये चीज किसने बोला जैन इंजन हाउस ने ठीक है जैन इंजन हाउस ने ये चीज बताया बाद में कि चलो हमारा जो प्लांट है वो इम्प्योर इन्वायमेंट को प्योर तो करता है इम्प्योर को, को प्योर कर देता है लेकिन ये तभी करेगा हमारा प्लांट जब उसे लाइट के प्रेजेंस में रखा जाए ये चीज बताई जैन इंजन हाउस ने यह भी मैंने आपको लेक्चर थ्री में पढ़ा के रखा है चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो हमारा अगला क्वेश्चन है हु फाउंड आउट दैट इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट ग्लूकोज इज मेड एंड ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च ये किसने बताया था कि ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का उसी में ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में हमारा प्लांट स्टोर करता है सैक साहब ने बताया एमोन ने बताया आर्नल्ड ने बताया या एंजलमैन साहब ने बताया तो सही आंसर है सैक साहब इन्होंने क्या कहा अगेन लेक्चर नंबर थ्री में आप जब जाओगे तो देखोगे मैंने पढ़ाया ऑलरेडी इन्होंने कहा इनका शायद पूरा नाम कार्नेलियस बॉर्न सैक था ठीक है कार्नेलियस बॉर्न वा, या वैन सैक कार्नेलियस सैक देख लेना मैंने लेक्चर थर्ड में पूरा नाम लिखा है इनका तो इन्होंने क्या बोला इन्होंने बोला कि प्लांट का जो ग्रीन प्लांट होता है ना ग्रीन प्लांट हरे भरे प्लांट जो होते हैं उनका जो ग्रीन पार्ट होता है यानी कि मेनली लीफ मेनली लीफ ही तो होता है जो ग्रीन होता है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस से फूड बनता है और उस फूड को प्लांट स्टोर कर लेता है ये चीज बताया सैक साहब ने उसी समय में जब बहुत पहले जब 1800 में या शायद ऐसी अठारह देख लेना डेट तब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तब उन्होंने ये बता दिया अभी हमें पता है कि वो जो स्ट्रक्चर जिसकी बात कर रहे थे सैक साहब वो क्लोरोप्लास्ट था जो प्रोसेस सैक साहब बताने की कोशिश कर रहे थे वो फोटोसेंथिस है फूड जो बन रहा है वो ग्लूकोज बन रहा है और स्टोर हो रहा है स्टार्च के फॉर्म में तो ये चीज किसने फाइंड किया हु फाउंड आउट दैट ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट इन इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट ग्लूकोज इज मेड एंड ग्लूकोज इज स्टोर्ड एट स्टार्च ये फाइंड uh, किया साहब ने right, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ ओके okay, तो हमारा अगला क्वेश्चन है हु प्रूव्ड दैट ओ टू कम्स फ्रॉम वाटर फोटोसेंथिसिस इट वॉज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसेंथिसिस इन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया यानी कि हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है और एक हिंट भी दे दिया गया है ठीक है और हमें हमारे पास चार ऑप्शन है तो क्वेश्चन है किसने प्रूव किया कि ओ टू जो है वो वॉटर से नहीं आता बल्कि सीओ टू से आता है ड्यूरिंग फोटोसेंथिसिस और बता भी दिया कि ये इट वॉज बेस्ड ये बेस्ड है ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बेस्ड है ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसेंथिस इन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पहले तो देखो ये भी पढ़ाया हुआ है लेक्चर नंबर थ्री में सही आंसर है इसका वैन नील वैन नील साहब अब ये इन्होंने देखो वैन नील साहब जो थे इन्होंने ये एक क्या थे माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे ये फोटोसेंथेटिक बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे जैसे कि पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया फोटोसेंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं सल्फर को यूटिलाइज करते हैं एच टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं के टाइम प्लांट क्या करता है वाटर का यूटिलाइज करता है ठीक है होता क्या है देखिए इन्होंने कहा ये मैं आपको कैसे समझाऊँ ये थोड़ा बहुत लेंदी हो जाएगा मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ ठीक है ऐसे तो आप लेक्चर देख के रखे हो तो अच्छी बात है मैं आपको बताता हूँ वैन नील के अलावा जो साइंटिस्ट थे वो पता है क्या सोचते थे वो सोचते थे कि जो ऑक्सीजन है ना ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है यानी कि जब फोटोसेंथिस का एक्सपेरिमेंट चलता है तो ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है ये जाता है H2O के पास और बनता है CH2O और ये जो ऑक्सीजन है ये इन्वामेंट में रिलीज़ हो जाता है ऐसा साइंटिस्ट लोग समझते थे उस जमाने में ठीक है फिर वैन नील साहब आए वैन नील साहब का जो एक्सपर्टीज था जिनमें वो माहिर थे वो था फोटोसेंथेटिक बैक्टीरिया में ठीक है तो वैन नील साहब ने फोटोसेंथेटिक बैक्टीरिया पे क्या किया एक्सपेरिमेंट किया देखा कि फोटोसेंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होता है जो हमारा सी ओ टू और एस टू एस है इसमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये एक्चुअली हाइड्रोजन डोनर होता है रिडक्शन होता है ठीक है यहाँ पे ये जो हमारा H2 है ये चला जाता है CO2 के पास और बनता है सी एच टू ओ और इन्वायमेंट में सल्फ़र रिलीज़ हो जाता है वैनिल साहब ने ये चीज़ देखा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फिर फिर वो गए उन साइंटिस्ट के पास जो कहते थे कि CO2 टू में से सी जाता है एच टू ओ के पास और ऑक्सीजन बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज होता है उन साइंटिस्ट को वैनिल साहब ने बताया कि देखो भैया सी टू का कार्बन नहीं जाता एच टू ओ के पास एक्चुअली में एच टू ओ का हाइड्रोजन जाता है CO2 टू के पास जिसे हम कहते हैं रिडक्शन रिलीज ऑफ हाइड्रोजन जो हमारा एच टू गया ठीक है और जाके CO2 टू के साथ बाइंड हो गया सॉरी बाइंडिंग ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं ना बाइंडिंग ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं रिडक्शन तो हमारा एच टू गया और सी टू के साथ बाइंड हो गया तो सी टू का क्या हो गया रिडक्शन हो गया सी टू का क्या हो गया रिडक्शन हो गया बोलो रिडक्शन हो गया सी टू का क्यों क्योंकि बाइंडिंग ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन कहते हैं और वाटर से हमारा जो हाइड्रोजन था ये पूरा वाटर से जो हाइड्रोजन था वो जाके बाइंड हो गया सी टू के साथ ठीक है ये वैन्यू साहब ने बताया ठीक है जब वैन्यू साहब ने फोटोसेंथेटिक बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट किया पता किया और फिर बोला कि देखो सी टू के पास एच टू जाता है और ये जो ऑक्सीजन है ये इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है प्लांट में ऐसा होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होता है सल्फर रिलीज होता है राइट right? तो ये चीज़ किसने बताया हमारे प्यारे वैन नील साहब ने इसको एक माइलस्टोन अचीवमेंट भी कहा जाता है ये एक बहुत बड़ी बात थी इससे पहले साइंटिस्ट लोग समझते थे कि सी ओ टू का सी जाता है एच टू ओ के पास नहीं एक्चुअली में एच टू ओ का एच टू जाता है सी ओ टू के पास और सी एच टू ओ बनता है और ये वाटर का जो ऑक्सीजन है ये रिलीज होता है तो यही प्रूफ किया किसने वैनल साहब ने क्या किया कि इन्होंने प्रूफ किया कि ओटू कम्स फ्रॉम वॉटर ये जो ओ है ये वॉटर से आ रहा है ठीक है नॉट फ्रॉम CO2 टू नॉट फ्रॉम सी टू साइंटिस्ट लोग बोलते थे क्या कि C चला जाता है CO2 का C चला जाता है H2O के पास तो कार्बन डाइऑक्साइड का O2 टू रिलीज होता है ऐसा बाकी साइंटिस्ट बोलते थे जो कि गलत था तो इनको सही किसने बताया वैनिल साहब ने ठीक है ये चीज मैंने पूरा लेक्चर थर्ड में अच्छे से एक्सप्लेन किया है ओके okay, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर एट चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की क्वेश्चन क्या है विच वन इज द करेक्ट समर इक्वेशन ऑफ फोटोसेंथिस फोटोसेंथिस का वेल बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सा है सीधा सीधा आपको याद रखना है ऑप्शन डी सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ सीओ टू ट्वेल्व मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपस में क्या करते हैं रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल और बनाते हैं सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज बनता है ठीक है जो कि स्टोर होता है किसके फॉर्म में पता होना चाहिए आपको स्टार्च के फॉर्म में राइट right? और मॉलिक्यूल ऑफ़ भी बनता है है तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है? का का क्या वेल इक्वेशन चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की क्वेश्चन इज करेक्ट टू प्रूव दैटू कम्स फ्रॉम वॉटर ड्यूरिंग जो ऑक्सीजन है फोटोसेंथिस बोला था राइट right? इसको प्रूफ कैसे करोगे तुम तो इसके लिए सही क्वेश्चन है इक्वेशन डी ये रहा ठीक है ये वाला इक्वेशन इसका एक्सप्लेनेशन कौन सा है याद करो रूबेन और कामेन का 1941 वाला एक्सपेरिमेंट लेक्चर थ्री में मैंने आपको पढ़ाया था इन्होंने क्या किया ऑक्सीजन uh, का एक रेडियो आइसोटोप यूज किया ओ एटीन ठीक है टू शो एक्सपेरिमेंटली दैट ओ टू इन फोटोसेंथिस रिलीज फ्रॉम वाटर इन्होंने क्या किया

क्या किया था रेडियो आइसोटोप यूज किया था ऑक्सीजन का ठीक बेसिकली वाटर के ऑक्सीजन को मार्क कर दिया राइट right? चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्शन देखो ए ट्रैपिंग लाइट एनर्जी बट नॉट ए टी पी एंड एनी डी एच टू फॉर्मेशन ठीक है बी ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर फिक्सेशन ऑफ सीओ टू सी for ATP and NADPH to formation but not for light trapping, D for light capturing and also for NADPH to an ATP formation. फॉर एन ए डी पी एच hai एंड ए टी पी फॉर्मेशन इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी याद करो लेक्चर नंबर फोर में मैंने आपको पढ़ाया था यह चीज कि जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है ग्रेना में ठीक है ग्रेना का ही सिंगुलर टर्म है ग्रेनाम ठीक है इसके अंदर लाइट रिएक्शन होता है और इसमें क्या होता है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन फोटोसेंथिस दो दो पार्ट में बताए ना एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन कहा होता है ग्रेना में होता है ठीक है और लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है तो इसमें क्या लाइट की जरूरत पड़ती है तो लाइट को कैप्चर करता है तो लाइट कैप्चरिंग फॉर लाइट कैप्चरिंग एंड ऑल्सो फॉर एनडीपी टू एंड एटीपी फॉर्मेशन देखो जब लाइट रिएक्शन चलता है ग्रेना के अंदर तो इसमें क्या होता है बेसिकली वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और इलेक्ट्रॉन और एक हमारा हाइड्रोजन जो है ये बाहर आता है ठीक है इलेक्ट्रॉन और ऐसे हाइड्रोजन एच प्लस और इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या और ये जो H प्लस है ये आगे जाके क्या बनाते हैं एन ए डी पी एच टू एन ए डी पी एच टू का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन और H प्लस है ठीक है जो कि किससे निकले थे ऑक्सीडेशन वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ इलेक्ट्रॉन और H प्लस निकला इन दोनों ये दोनों आगे जाके किस किसके काम आते हैं एन ए डी पी एच टू के फॉर्मेशन में और लाइट रिएक्शन के टाइम में ए टी पी भी बनता है ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर फोर्थ में एकदम डिटेल में समझाया है यहाँ पे तो मैं सबमराइज करके बोल रहा हूँ ठीक है तो अगर आपने लेक्चर देखा है ना तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व होने में यहाँ दिक्कत हो रही है ना तो शायद आपने सही से लेक्चर नहीं देखा नोट्स पे ध्यान नहीं दिया तो एक बार लेक्चर देख लीजिएगा ठीक है सब कुछ पढ़ाया हुआ है तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन क्या है विच वन इज करेक्ट हमें इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है पहले इन चार स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं पहला स्टेटमेंट है लाइट रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा दूसरा है लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेना डी पी एच टू आर फॉर्म तीसरा है इन स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन अकर्स ठीक है चौथा है डार्क रिएक्शन इज नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स जैसे कि ए टी पी प्लस एनएडीपी एच टू फॉर्म इन लाइट रिएक्शन ये सब क्या है समझो देखो आपको पता होना चाहिए एक बात कि लाइट रिएक्शन अभी मैंने बोला स्ट्रोमा में नहीं होता ग्रेना में होता है तो पहला तो गलत है पहला ठीक है तो ये तो नहीं होने वाला ठीक है ऑल आर करेक्ट भी नहीं होने वाला क्योंकि एक तो हमें इनकरेक्ट दिख गया जो कि फर्स्ट वाला था और यहाँ लिखा था फर्स्ट वाला करेक्ट है तो ऑप्शन ए और बी तो आप एलिमिनेट कर दो अब बी या सी में से ही कोई सही हो सकता है राइट चलिए तब देखते हैं छानबीन करते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या है लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेना सही है एंड ए टीपी प्लस एन ए डी पी एस टू ऑफ फॉर्म डी भी मैंने अभी आपको बोला देखो याद रखना तो इसीलिए हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा क्यों क्योंकि सेकेंड वाला करेक्ट है तो आपको ये पूरा सब चीज इसी में चीज में दिखाई दे रहा है ऑल आर करेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि एक हमें इनकरेक्ट दिख गया ऑल आर इनकरेक्ट भी नहीं होगा क्योंकि एक हमें करेक्ट दिख गया ठीक है और फर्स्ट वाला हमें पता है गलत है

ठीक है ये बाई प्रोडक्ट है एन ए डी पी एच टू और ए टी पी आर द बाई प्रोडक्ट और जो ओटू बनता है लाइट रिएक्शन के टाइम पे ये एटमोस्फेयर में चला जाता है ठीक अब आते हैं स्ट्रोमा स्ट्रोमा क्या है लिक्विड पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का लेक्चर नंबर फोर में आपको मैंने ये चीज़ समझाया था स्ट्रोमा क्या है लिक्विड पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का इसे मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है इसमें डार्क रिएक्शन चलता है तो डार्क रिएक्शन के टाइम पे जो लाइट रिएक्शन में बनने वाला एन ए डी पी एच टू और ए टी पी है ना वो काम आता है ठीक है एन देखो यहाँ पे मैंने ऐसे बना के भी रखा है एन ए और ए जो कि लाइट रिएक्शन के टाइम बना था जो बाई प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का ये काम आता है डार्क रिएक्शन में और सी ओ हम एटमोसफेयर से मिल जाता है ठीक है सी ओ भी काम आता है डार्क रिएक्शन के टाइम और बन जाता है ग्लूकोज ठीक है तो देखो डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट इज नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन ठीक है बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन देखो डार्क रिएक्शन जो है डायरेक्टली लाइट ड्रिवन नहीं है ठीक है लाइट के प्रेजेंस में नहीं होता ठीक है लाइट डार्क रिएक्शन से यह मत समझ लेना कि लाइट के प्रेजेंस में होता है नहीं लाइट रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी है डार्क रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि डार्क रिएक्शन रात को ही चलता है प्लांट में दिन में भी चलेगा डार्क रिएक्शन बट डार्क रिएक्शन के टाइम पे लाइट से जो फोटोनिक एनर्जी होती है उसकी जरूरत नहीं पड़ती डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन को बस जरूरत होता है किसका डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट जैसे कि ए और एन जो कि लाइट रिएक्शन के टाइम पे बना था ये जो एन और ए ठीक है लाइट रिएक्शन में हमें लाइट की जो फोटोनिक एनर्जी है वो चाहिए होता है डार्क रिएक्शन के टाइम लाइट की जरूरत नहीं है फोटोनिक एनर्जी की जरूरत नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि डार्क रिएक्शन जो है वो रात को चलेगा ठीक है डार्क रिएक्शन सुबह भी चलता है लाइट की जरूरत नहीं पड़ती ओके okay. पर डार्क रिएक्शन को लाइट रिएक्शन में बनने वाला एन तो और ए की जरूरत है तभी डार्क रिएक्शन पूरा हो पाएगा और ग्लूकोज बन पाएगा ठीक है तो ये स्टेटमेंट को समझाने के लिए ना मैंने इतना कुछ लिखा क्वेश्चन तो इजीली ऐसे भी सॉल्व हो ही गया था और एट पर आपको हर एक स्टेटमेंट की पकड़ होनी चाहिए क्योंकि आज तक आजकल आप देख रहे हो नीट वाले जो है वो खेला खेल रहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारा दे रहे हैं ठीक चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की तरफ सो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व लीफ पिगमेंट्स जैसे कि क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी जैंथोफिल्स एंड कैरोटीन कैन बी सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सरे डिफ्यूजन या एलाइजा टेस्ट लेक्चर इसका जो सही ऑप्शन है पहले तो ये देख लो पेपर क्रोमेटोग्राफी है लेक्चर नंबर फाइव में मैंने आपको बताया था क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो स्टडी ऑफ पिगमेंट्स होता है जो कि हम क्रोमेटोग्राम पे करते हैं इससे हम पिगमेंट्स की पिगमेंट्स के कलर की स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ पिगमेंट ठीक है पिगमेंट का कलर पता करते हैं इस इसके द्वारा हम सेपरेट भी कर सकते हैं पिगमेंट को किसके बेसिस पे कलर के बेसिस पे ये चीज़ मैंने अच्छे से लेक्चर नंबर फाइव में आपको बता के रखा है ठीक है तो ये इलेक्ट्रोफोरिस एक्सरे डिफ्यूजन इलाइजर यह सब के घबरा मत जाना क्योंकि याद रखना जब मैं आपको पिगमेंट्स पढ़ा रहा था फोटोसेंथिसिस पिगमेंट तब मैंने क्रोमेटोग्राफी की बात की थी ठीक है पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी ठीक तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्रोमेटोग्राफी शब्द देखते ही आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करना चाहिए ओके क्योंकि चीज मैंने आपको पढ़ा के रखा है अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन के तरफ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तेरह की क्वेश्चन वन इज नॉट एन एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है ये तो बड़ा इजीली आपने सॉल्व कर लिया होगा सही ऑप्शन है क्लोरोफिल ए देखो मैंने आपको बोल के रखा है क्लोरोफिल ए जो है लेक्चर नंबर फाइव में बोला था ये मेन पिगमेंट होता है इसके अलावा क्लोरोफिल बी और कैरेटिनॉइड्स कैरेटिनॉइड्स के अंदर याद करो क्या क्या आते हैं जैंथोफिल और कैरोटीन ये सब के सब क्या है एक्सेसरी पिगमेंट्स है ये सब के सब क्या है एक्सेसरी पिगमेंट्स है बस क्लोरोफिल ए हमारा मेन चीफ इंपॉर्टेंट पिगमेंट है ठीक है तो विच वन इज नॉट एन एक्सेसरी फोटोसेंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए इसको छोड़ के ये तीनों के तीनों क्या है

द एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर तीसरा द प्रोटेक्ट रिएक्शन सेंटर फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन या चौथा ऑल जिन्होंने लेक्चर नंबर फाइव अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये सब के सब सही है ये सारे के सारे फंक्शन यानी कि ऑल ये सारे के सारे फंक्शन हैं एक्सरी फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स के याद करो मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर नंबर फाइव में कि एन सी आर टी पेज नंबर दो सौ ग्यारह के फर्स्ट पैरा पर आपको एक लाइन मिलेगा याद करो इंडीड दे आर नॉट इंडीडे दे दे मतलब कौन एक्सेसरी पिगमेंट्स की बात हो रही है जैसे कि कैरेटिनॉइड्स हो गया क्लोरोफिल बी हो गया तो ये एनसीआरटी में ऐसे की ऐसे एकदम लाइन छपी हुई है पेज नंबर दो सौ ग्यारह फर्स्ट पैरा पे क्या लिखा है इंडीडे इंडीड मतलब वास्तव में एक्चुअली इंडीड दे यानी कि एक्सेसरी पिगमेंट्स नॉट ओनली अ वाइडर रेंज ऑफ वेबलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज फॉर फोटोसेंथिस बट

वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ को ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट को क्या करते हैं इनेबल करते हैं ताकि यूटिलाइज हो सके फॉर फोटोसिंथेसिस ठीक तो पहला भी सही दूसरा क्या है दे अब्जॉर्व लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर ये याद करो ये वाला मैंने आपको एटॉमिक लेवल पे ले जाकर क्लोरोफिल जो हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसको एक्सप्लेन किया था अच्छे से मैंने कहा था कि जब ये जो हमारे क्लोरोफिल बी और कैटीनॉल्स और क्लोरोफिल ए पे जब फोटोनिक एनर्जी यानी कि लाइट पड़ता है तो क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हायर एनर्जी लेवल पर चले जाते हैं एक्साइट हो जाते हैं और जो क्लोरोफिल बी और कैरेटीनॉइड है वो अपना एनर्जी किसको दे देते हैं रिएक्शन सेंटर यानी क्लोरोफिल ए को ठीक तो क्या कर रहा है ये एक्सेसरी पिगमेंट्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइट को और ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं एनर्जी टू रिएक्शन सेंटर हमारा क्लोरोफिल ए क्या है रिएक्शन सेंटर है राइट right. इसको क्या कर रहे हैं एनर्जी ट्रांसफ़र कर दे रहा है कौन एक्सेसरी पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल बी और कैरेटीनॉइड्स क्वेश्चन नंबर चौदह हमारा हो गया सॉल्व अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह की तरफ तो हमारा जो पंद्रहवा फिफ्टी क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का उसका प्रोडक्ट नहीं है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन या शुगर आपको आसान आसान मतलब आराम से पता चल गया होगा कि शुगर इज द राइट आंसर क्योंकि हमें पता है जो लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर चलता है उसका प्रोडक्ट है एन ए टू और ए टी पी तो ये तो सही है और हम ये भी ये भी कहा था कि लाइट रिएक्शन के टाइम ओटू भी रिलीज़ होता है जो कि बाय प्रोडक्ट होता है एटमोसफेयर में चला जाता है ठीक है और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ये भी क्या रिलीज हो रहे होते हैं ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन पर एक शुगर ही ऐसा हमारा क्या प्रोडक्ट है जो कब बनता है डार्क रिएक्शन के टाइम जो कि स्ट्रोमा में होता है ग्लूकोज ग्लूकोज क्या है शुगर ठीक है कब बना डार्क रिएक्शन के टाइम तो शुगर जो है ये हमारा डार्क रिएक्शन के टाइम बनता है बट यहाँ पे क्या पूछा था लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है ये पूछा था राइट तो शुगर नहीं है क्योंकि शुगर तो डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट है बाकी ऊपर वाले तीन क्या है ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है राइट चलिए तो यहाँ पे हमने पंद्रह क्वेश्चन देखा अभी तक मैंने जितने आपको शुरू के पांच लेक्चर पढ़ाए थे छठे लेक्चर में हमने उन सारे पांचों लेक्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर लिया बात करें पीवाई क्यूज की तो पी वाई क्यूज़ हम एकदम एंड में करेंगे अभी आप एम सी क्यूज़ करो एम सी क्यू से आपका एक बार रिविज़न हो जाएगा और जब मैं पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा पूरा का पूरा चैप्टर जब मैं पढ़ा दूंगा ये जो हमारा पूरा चैप्टर है फोटो सेंथेसिस का जो पंद्रह या सोलह लेक्चर का होगा ये जब पंद्रह के सोलह लेक्चर पढ़ा दूंगा फिर मैं पी वाई क्यूज़ कराऊँगा तो एक बार और आपका अच्छे से रिविज़न हो जाएगा अभी तो हम हर पाँच लेक्चर के बाद एम सी क्यू सॉल्व करेंगे हर पाँच लेक्चर के बाद ठीक है और फिर जब हम लोग का ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ठीक है तो हम क्या करेंगे पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे तो एक और यहाँ पे तो आपका रिवीजन हो ही रहा है एम क्यू सॉल्व करके पी वाई क्यूज करोगे तो और सुपर रिवीजन हो जाएगा और कॉन्फिडेंट हो जाओगे राइट तो ये जो पंद्रह क्वेश्चन है आई होप आपको इसमें कुछ दिक्कत नहीं आई होगी सॉल्व करने में अगर आपको कहीं लगता है कि मैंने कहीं कुछ गड़बड़ी कर दी तो कमेंट में ज़रूर बोलना मैं सही कर दूंगा ठीक है मैं बड़ी मतलब मैं तो अब देखो मैं तो बना दिया ठीक है तुम्हारे ऊपर है तुम अच्छे से पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो तुम अगर मेरे शुरू के पांच लेक्चर्स अच्छे से पढ़े होगे अच्छे से देखे होगे तो ये लेक्चर ये जो हमारा एम सी क्यू वाला अभी जो सीरीज है ये तुमसे आसानी से सॉल्व हो गया होगा मैंने देखो मैंने सिर्फ क्वेश्चन नहीं कराया ऐसा नहीं कि ये आ गए सिर्फ क्वेश्चन करा दिए और चले गए जो कि बहुत सारे टीचर करते हैं बहुत सारे एजुकेटर करते हैं क्वेश्चन कराते हैं एक्सप्लेनेशन बहुत कम ही अच्छे अच्छे टीचर है जो आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा ठीक है कि मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया मैं बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी होता है ठीक है क्वेश्चन बस एमसीक्यू टिक करने से नहीं हो जाता है क्वेश्चन स्टूडेंट को समझाना भी पड़ता है तो बहुत सारे एजुकेटर्स है जो ये करते हैं एंड ये बहुत ही अच्छी बात है एक्सप्लेनेशन देना चाहिए क्योंकि आप आपका एक साथ ही साथ एक रिविज़न भी हो जा रहा है ठीक तो आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जा रहा है अब बहुतों तो को इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी एक्सप्लेनेशन की क्योंकि जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो मन लगा के अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो सिर्फ क्वेश्चन देखे होंगे और टिक किए होंगे और जिनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ रही है मैं आपको बस एक चीज बोलूँगा घबराओ मत कोई दिक्कत नहीं है अपनी रिविजन को ना और स्ट्रोंग बनाओ ठीक है पांच लेक्चर देख के बस बैठ मत जाओ उसको रिवाइज भी करो मेरा मेन एम यही है इस सीरीज का एमसीक्यू सीरीज का कि आपका रिवीजन हो पढ़ तो कोई भी लेता है पढ़ना आसान है ठीक है पहली बार किसी लेक्चर को बैठ कर देखना इज़ द मोस्ट इजी थिंग टू डू स्टूडेंट्स को लगता है कि लेक्चर देखना टफ होता है लेक्चर देखना टफ नहीं होता सबसे आसान काम होता है लेक्चर देखना क्योंकि आप बैठ कर सुन रहे हो समझ रहे हो कुछ एफर्ट ही नहीं दे रहे हो लेकिन जब आप समझने बैठते हो रिवाइज़ करने बैठते हो वहां पे एक स्टूडेंट का मेन एफर्ट काम आता है लेक्चर के टाइम टीचर का एफर्ट काम आता है रिवीजन के टाइम स्टूडेंट का एफर्ट काम आता है ठीक है तो मैं अपनी तरफ से तो मैंने कर दी मेहनत अब आप अपनी तरफ से करो रिविज़न करो रिविज़न को स्ट्रॉन्ग रखो क्योंकि अंतिम में ये जो रिविज़न है यही आपको बचाएगा नहीं तो नीट के एक हफ्ते पहले ना दिमाग ख़राब हो जाएगा जब एग्ज़ाम आएगा तो रिविज़न करते चलोगे तो कॉन्फिडेंट रहोगे और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हैं ये कॉन्फिडेंस का ही खेला है जो नीट में कॉन्फिडेंट होके एग्ज़ाम पार कर लेते हैं वही जाके आगे जाके एक कॉन्फिडेंट डॉक्टर बनते हैं क्योंकि डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशन ठीक है जहाँ पे कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा ज़रूरत होती है किसी पेशेंट को दवाई दे रहे हो तो कॉन्फिडेंट होना जरूरी है कोई सर्जरी कर रहे हो तो कॉन्फिडेंट होना जरूरी है तो कॉन्फिडेंट कब होगे जब एक चीज़ की आपको अच्छी पकड़ होगी ठीक है चलो हटाओ बहुत ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपका समय वेस्ट होगा यहीं पे लेक्चर खत्म करते हैं बस मेरा समझ जाना मेरा एम क्या है कि रिविजन करो तुम्हारा ही फायदा होगा ठीक है चलो तो यहीं पर ये यह लेक्चर होता है समाप्त